देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंदौर की बात करें तो यहां कांग्रेस लगातार भाजपा को घेरने में जुटी है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें मोदी और मोदी के परिवार को दर्शाया गया है। कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए विभिन्न तरह के प्रचार प्रसार करने में जुटी है। बुधवार को इंदौर में कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें मोदी के परिवार को बताया गया है। वहीं पोस्टर में लिखा है कि मोदी का परिवार कौन है। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ दो उद्योगपतियों को दिखाया गया है। साथ ही इसमें लिखा है कि यही मोदी का परिवार है, जबकि दूसरे पोस्टर में इंडिया गठबंधन दिखाया गया है, जिसमें देश भर के विभिन्न पार्टियों के प्रमुख नेताओं को दर्शाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव का इस मामले में कहना है कि एनडीए में मात्र 4 लोग शामिल हैं, जिसे आप पोस्टर के जरिए देख सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में देश भर की पार्टी के प्रमुख नेता और पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत का भविष्य किसमें है। देखिए, पूरे देश में मोदी के परिवार के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अभी भाजपा ने कार के लिए पोस्टर निकाला था कि इस कार में मोदी का परिवार। हमने पूरे देश को, देश की जनता को इस पोस्टर के माध्यम से बताया है कि मोदी का परिवार सिर्फ दो लोगों का परिवार है, उनके साथ दो और दो चार हैं, हम दो हमारे दो, यही सिर्फ मोदी का परिवार है। इसको पोस्टर पे हमने कार्टून के माध्यम से बताया है कि वो चार लोग कौन है, और एनडीए के परिवार को हमने उजागर करा है कि चार लोग ही एनडीए और चार लोग ही मोदी का परिवार है। वो दूसरी तरफ इंडिया है, जहाँ पूरे देश का गठबंधन है, उसकी तस्वीर भी इसमें, तो पूरा देश इंडिया के साथ है। एक कार में पूरा इंडिया बसती है, सिर्फ चार लोगों का परिवार नहीं बचता है। तो इसीलिए ये स्पष्ट करा है कि मोदी का परिवार क्या है और कैसा झूठ बोला जा रहा है, किस तरीके से छल किया जा रहा है देश के साथ। वो चार लोग कौन है जिनका पोस्टर आपने लगाया? दो लोग तो आप देख रहे हैं कार्टून में, मोदी जी, अमित शाह जी, और दो लोग हैं अडानी अम्बानी। ये चार लोग ही पूरा देश चला रहे हैं, और ये चार लोग ही एक ही कार में घूमते हैं, उसी को मोदी का परिवार बोलते हैं। पीएम मोदी पर विपक्षी दलों ने हमला किया था, तो बीजेपी ने परिवारवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। बीजेपी की इसी मुहिम के जवाब में ये पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया है। फिलहाल कांग्रेस का पोस्टर सुर्खियों में बना हुआ है। आने वाले दिनों में कांग्रेस और भी कई तरह के पोस्टर जारी कर बीजेपी को घेर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब तक इंदौर सीट से प्रत्याशी घोषित नहीं किया। कांग्रेस से संजय शुक्ला के प्रत्याशी बनने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है।